हेलो गाइस, मेरे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमन फोटू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद आप लोग बेहतर से होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था किस तरह जो है स्लिप पड़ता है, स्लिप से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए, वो सब दिखाने के बाद जो है आज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्लिप का काम ख़त्म हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा काम ख़त्म हो गया। जी हाँ, अभी क्या काम हो रहा है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से वापस से जो है अमूद किस तरह से बनाते हैं, उसका सांचा किस तरह से बनाते हैं, हाथी को किस तरह से बांधते हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत अहम है। मेन अमूद ही होता है, इसको पिलर बोलते हैं। उसमें सरिया किस तरह से बांधा जाता है, सरिया के नाप क्या है, जी हाँ, उसका जो रिंग डालते हैं एक दूसरे एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए, वो आज मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह देखो आप देख रहे हैं पीछे मेरे दिखा के लेके जा रहे हैं। जी हाँ, आप जो किस तरह से जो है रिंग को बनाते हैं और सरिये को बांधते हैं बीच में, वो आपको मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बने रहे मेरे चैनल पे, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो जी हाँ गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे काम होता है। सरिये का जो अमूद खड़ा करना है इसको पिलर बोलते हैं। जी हाँ, ये एक बंदा, ये सिर्फ उसका काम क्या है, हदीद को काटना। काटना कैसे है, मशीन उधर रखा हुआ हो, मशीन से काटना है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि कितना लंबाई, कितना चौड़ाई, क्या क्या चाहिए, वो सब अहम है। तो उसको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से जो है पहले लिखा गया है ज़मीन पे। देखो ये आप देख रहे हैं, जी ये पूरा लिखा गया है कितना मगास का चाहिए, कितना लंबाई चाहिए और कितना चौड़ाई चाहिए, वो रिंग के बारे में और ये जो अमूद का सरिया होता है बड़ा वाला उसके बारे में। जैसे जी देखो ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, सब कुछ इस ज़मीन पे इसमें लिख दिया गया। बार बार पूछने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना ये चार्ट देखो उसके हिसाब से आप सरिया के जो है कटिंग कीजिए आप। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि सरिया कितना सरिया लगाते हैं एक अमूद में। तो आप देख सकते हैं चार सरिया ये हैं, फिर दो ये हैं, दो ये हैं, चार, दो छः, दो आठ, आठ और तीन ये है, आठ तीन ग्यारह, एक बारह सरिया। अभी बारह सरिया इसमें पड़ा हुआ है, ये बारह सरिया का जो है पिलर खड़ा होगा। किस जगह पिलर खड़ा होगा कि सबका अलग अलग है, जहाँ बारह सरिया होगा वहाँ बारह का काम पड़ेगा, तो वहाँ बारह लगाएंगे। जी हम तो चूल्हा आप देख सकते हैं, इसको रिंग बोलते हैं। रिंग कितनी दूर पर रखा गया है वो आपको दिखाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रिंग को किस जगह सेट करते हैं, कितना गैप सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें देखो वाइट चाक का निशान दिख रहा है, वाइट चाक इधर है, वाइट चाक इधर है, वाइट चाक इधर है, वाइट चाक इधर। एक बड़ा रिंग है, ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा रिंग है। उसके बाद जो है ये छोटा रिंग है, ये देखो ये छोटा रिंग है, बीच में छोटा, फिर एक बड़ा पूरा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है काम होता है सरिये का, जो अमूद के लिए यानी पिलर के लिए खड़ा करते हैं। वो देखो जाली बिछा दिया गया है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर देखो पूरा मुकम्मल तैयार करके रख दिया गया है। दो दो चार छः आठ दस दोबारा, अभी जो बारह बारह वाला सरिया है जैसे वो बीच में देखो जहाँ सब बैठे हुए हैं ना वहाँ पे दो चार छः आठ दस दोबारा बारह सरिया उसमें लगा हुआ है, और बारह सरिया इधर भी मेरे ख्याल से लगा हुआ है। जी हाँ, दो चार छः आठ दस दोबारा। तो पहले बारह बारह का जो है जहाँ बारह सरिया का अमूद खड़ा करेगा उस जगह का ये बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में देखो दो चार छः आठ दस दोबारा, दो चौदह सोलह, ये सोलह सरिया वाला है, अभी इसका बाद में बनेगा। उधर जो है चार्ट में लिख दिया गया है कि किस तरह जो है बनाते हैं। फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि चूल्हा जो है जिसको रिंग बोलते हैं, रिंग किस तरह से पहनाते हैं। बने रहे चैनल पर, मैं दिखाता हूँ पूरा। देखो यहाँ पे देखो किस तरह इसको बैंड करते हैं, ये देखो बैंड करते हैं किस तरह से, देख सकते हैं ये चूल्हा बना रहे हैं। चूल्हा कैसा बनाएगा वो मैं आपको भी बताऊँगा, दिखाऊँगा अभी कि चूल्हा, ये जो छोटा वाला चूल्हा बन रहा है ये किस जगह लगेगा, कैसे लगेगा, अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखो ये बन के रेडी हो गया है, जी अब देख सकते हैं बन के ये रेडी हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ जो चूल्हे जो रिंग होता है उसको, रिंग को किस तरह से यहाँ पे जो है बांधते हैं। ये देखो तीन आदमी लगे हुए सिर्फ बांधने के लिए, एक बीच में छोटा वाला है, उसके बाद बड़ा वाला है। तो इस तरह यहाँ पे जो है कुछ पिलर का काम किया जाता है, जिसको अमूद भी बोलते हैं, पिलर भी बोलते हैं, और अपने इधर जो है कहीं कहीं पावा भी बोलते हैं। पावा खड़ा करना है, अमूद खड़ा करना है, पिलर खड़ा। तो इस जगह देखो स्पीड देखो, माशाल्लाह स्पीड कहाँ कहाँ बांधना, कैसे बांधना सब देखो, स्पीड कितने स्पीड है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बांध रहे हैं, दूसरा रखा हुआ बांधने के लिए। जी हाँ,
ये कितने सरिया का है? 4, 4, 8, 2, 10, 12 सरिया का ये भी है। तो इस तरह से जो है देखो वो रेडी एक तरफ रेडी कर देगा और दूसरी तरफ देखो तीन आदमी मिलकर उसको उठाए और तीसरी तरफ यानी एक तरफ जो है रेडी करने के बाद पलटी मारते हैं। तो इस तरह से कुछ काम होता है और मैं दिखाता हूँ जीने का जो काम हुआ था वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जीने का काम देखो ये जो जीना सातों सात में जो स्लेब डाला गया था जीने का नक्शा तो बना दिया गया था उसके बाद जो है डायरेक्ट ढलाई कर दिया गया। तो इस तरह से कुछ जो यहाँ पर ढलाई की जाती है अभी पूरा खोला नहीं है खोलेगा मैं पूरा आपको दिखाऊँगा। और ये जो बीच में है ये तो लिप के लिए है जी हाँ ये लिप का काम होता है यहाँ पर। अगले वीडियो में आने वाले वीडियो में और क्या काम होगा इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। ये देखो ये जो संदूक लगाएंगे संदूक ये जो लकड़ी सब रखा हुआ है इसको संदूक बोलते हैं। संदूक बना के फिर इसके अंदर जो है सरिया को खड़ा किया जाएगा। इसलिए अगर वीडियो में नहीं देखेंगे तो आप पिछले वीडियो में दिखाया हूँ कोई बात नहीं अभी इस वीडियो में पूरा दिखाऊँगा किस तरह से जो है संदूक को खड़ा करते हैं। ये देखो कितना इंच का है सब कुछ 90-100 पूरा कंप्लीट। अभी इसको निशान लगा के जो है मिसमार मार देंगे ताकि ये इधर से उधर ना हो। इसके अंदर में जो है कालम को खड़ा करेंगे कालम भी बोलते हैं संदूक बोलते हैं खसा जो लकड़ी है उसको खड़ा करने के लिए। ये देखो डोरी से जो है ना पूरा डोरी लगा के इसको एक साइड से दूसरे साइड तक के जो है पूरा फिक्स कर देते हैं ताकि इधर से उधर ना यानी हिले ना। और इसके अंदर में मैं दिखाना कोशिश कर रहा हूँ ये देखो ये जो बना हुआ है ना इसके अंदर में बाहर से नहीं इसके अंदर में जो है लकड़ी का जो संदूक बनाया जाएगा उसको इसके अंदर में खड़ा किया वो जो रखा हुआ है लकड़ी इसके अंदर में रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके अंदर रखेंगे तो ये भागेगा नहीं। अगर भरनी की जाएगी तो आराम से भरनी की जाएगी। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे सेफ्टी करते हैं ताकि मसाला भी ख़राब ना हो और अमूद जो है जिसको कालम बोलते हैं वो सीधा रहे। अमूद कालम पिलर आप जो भी समझो अपने लैंग्वेज में जो भी समझते हो भाई ठीक है क्योंकि हर जगह अलग अलग बोलते हैं क्या बोलते हैं आपको पता है जी हाँ। और ये जो पाइप निकाला गया है ये पाइप 1, 2, 3, 4, 5 तीन पाइप टूट गया 2 पाइप है ये किस लिए पाइप है? वो आया था सब्बाक ने ये पाइप लगाया था इसमें जो पानी वाला कनेक्शन होगा इसके थ्रू होगा जी हाँ। बाकी आगे है लाइट वाला भी है। तो इस तरह से कुछ काम होता है गाइस बने रहे मेरे चैनल पे आगे क्या होता फिर मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। हेलो देवी अंसजनो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे तावा जिसको बोलते हैं जो है पिलर भी बोलते हैं पावा भी बोलते हैं तो यहाँ पे उसका काम शुरू हो गया है। अभी मैंने दिखाया था हदी का काम जो है किस तरह से कर रहे हैं वो भी दिखाया था। तो अभी जो है इस वक्त जो है पिलर का काम शुरू किया गया है। तो इसमें जो संदूक होता है लकड़ी का उसको भी खड़ा कर दिया जा रहा है। देखो 4-5 खड़ा एक उधर खड़ा कर दिया एक उधर खड़ा कर दिया एक उधर खड़ा कर दिया इसके पीछे देख सकते हैं और एक आगे है एक अभी खड़ा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने जो है मेहनत कर रहे हैं और कितनी जल्दी जो है पिलर का काम शुरू कर दिया गया है यानी पावे का काम जो है जो पावा खड़ा किया जा रहा है उसका काम शुरू कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है काम होता है। और वहाँ पे देखो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी जो सरिया है सरिये को उसको उसके अंदर में जो है खड़ा कर देने की कोशिश कर दिया जा रहा है। और मुझे लग रहा है अभी खड़ा कर दिया जाएगा उसमें डाल के जो है दिखाता हूँ चार आदमी जो है करीब से दिखाता हूँ मैं चार आदमी किस तरह से। ये देखो सिंगल बंदा इसको अकेले लेके उठा के जा रहा है यार देख रहे सिंगल बंदा यार भाई काबिले तारीफ है इतना वजन है फिर भी अकेला ही बंदा इसको उठा रहा है यार। ये है पठान की ताकत देखो अकेला जो चार आदमी उधर जैसा अभी दिखाता हूँ मैं किस तरह उसको उठा के खड़ा करते हैं भाई कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा जो है दिखाऊंगा किस तरह से उसको खड़े करते हैं। देखो चार आदमी देखो भाई यार बहुत मशक्क़त के बाद उसको खड़ा किया जाता है। देखो अभी सेंटर में खड़ा लगा दिया गया है अब उठाना पड़ेगा इसको जी हाँ। अब देखते रहो किस तरह से उठा के जो है उसके अंदर डालते हैं। देखो ये 3 आदमी लगे ये देखो किस तरह से उठा रहे हैं
जी हाँ, पूरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे हो अभी इसको ऊपर उठाया जा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो यार, बहुत जो है ना कहते हैं बहुत मेहनत से। देखो और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा और जाएगा। चार चार बंदे उठा रहे हैं, एक बंदा जो है उसको देख रहा है कहीं भागे ना इधर उधर। ये देखो, ये देखो किस तरह से जो है यार इसको डालते हैं। थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, हाँ उठ गया। ये देखो, ये देखो, सलामुअलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह कोई देख रहे हो किस तरह से उस पर रोक दिया गया है। अभी उसके बाद जो है हदीद लगा के फिर, लेकिन कोशिश पूरा है कि नीचे चला जाए। हाँ देखो भाई, भाई बहुत मेहनत लग रहा है, बच गया है सर। एक दूसरे से जो सरिया ना टच हो गया, इसलिए जो अंदर नहीं जा रहा है। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको अंदर डालने के लिए। तो बने रहे चैनल पे जो है, देखो किस तरह से ये एक दूसरे के, देखो धीरे 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 जा रहा है, जा रहा है, खिसक रहा है, खिसक रहा है, खिसक रहा है, बज रहा भी है, लेकिन अब वो जहाँ जहाँ बजेगा वहाँ वहाँ उसको धीरे धीरे। ये देखो, देख आप देख सकते हैं पूरा जो है किस तरह से जो है इसको एक दूसरे के सपोर्ट में रख करके फिर इसको जो है नीचे घसीटने की कोशिश किया जा रहा है, नीचे डालने की कोशिश। क्योंकि भाई सरिया है, वो सरिया बज रहा है धीरे धीरे, जा भी रहा है नीचे धीरे धीरे। देखो थोड़ा सा और बचा है भाई, चला गया है। अभी देखो किस तरह से उसको जो है, देखो और गया, और गया, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, यानी अभी मान के चलो जो है एक फीट बचा हुआ है। एक फीट को उसको और नीचे उतारेंगे। ये देखो आधा फीट बचा हुआ, आधा फीट कोशिश किया जा रहा है पूरा उसको नीचे उतारने के लिए। तो देखते रहें आप जो है, वीडियो तो लंबा हो जा रहा है, लेकिन फिर क्या करूँगा भाई। देखो एक तरफ लटक गया, क्यों लटक गया, सपोर्ट अभी एक तरफ जो है गया, देखो बैठ गया पूरा। ये है भाई, ये है कुछ इस तरह से जो है काम किया जाता है। जी हाँ, अमू तो खड़ा कर दिया पूरा, अच्छी तरह से जो है इसको समेट दिया गया है। देख सकते हैं काम हो रहा पूरा, ठीक है सर। गाइस तो बने रहे चैनल पे, आगे दिखाते हैं किस तरह से हदीद को खड़ा करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। जी हाँ, ये देखो अभी फिर वापस से जो है खड़ा करने की कोशिश किया जा रहा है। भाई बहुत यार ताकत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ये बंदा देखो अभी, ये तो भाई अकेले उठाने वाला है यार, ये तो अकेले उठा के लेके जा रहा है। देख सकते हैं भाई, ये बहुत वजन है भाई, मैंने देखा है बहुत वजन है, लेकिन ये बंदा जो है ना अकेले उठा के जो है पूरा हदीद को, उधर हदीद वाला अकेला उठा रहा है, समझ लो तीन तीन आदमी मिल के भाई इतना वजन है। और इधर अकेला बंदा उठा के जो है जो संदूक होता है, संदूक को फिट करने की कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से संदूक को फिट करते हैं। अभी ये संदूक बाहर से फिट करेंगे।